कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस में संघर्ष करने की क्षमता है और ये क्षमता कांग्रेस को प्रदेश की सत्ता में काबिज करेगी। रैंत में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में शिरकत करने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकारें जानबूझकर लोगों में गतिरोध पैदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हमें दुख है कि प्रदेश व केंद्र की सरकारें सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दे को सुलझाने की बजाय उलझाने का प्रयास कर रही हैं। राठौर ने कहा कि धर्मशाला के विधायक का मामला दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा के विधायक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और कानून के ज्ञाता हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये घटना भाजपा के नेताओं की महिला विरोधी सोच को इंगित करती है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस मामले में उचित कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस जन आक्रोश सप्ताह मना रही है। सरकार की नीतियां किसान व बागवान विरोधी हैं। कर्मचारी वर्ग, छोटा व्यापारी, दुकानदार सरकार से प्रताड़ित हो रहा है। प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और बढ़ती महंगाई से आम जनता त्रस्त है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सप्ताह भर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। देखिए, आप जानते हैं कि अभी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जन आक्रोश सप्ताह मना रही है, क्योंकि सरकार की जो किसान विरोधी, बागवानी विरोधी जो नीतियाँ हैं और समाज के हर वर्ग को, चाहे हमारे कर्मचारी हों, हमारे दुकानदार हों, छोटे व्यवसायी हों, सबको ये सरकार जो है प्रताड़ित कर रही है। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है। ये एक ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हम पूरे प्रदेश में एक हफ्ते तक धरने और प्रदर्शन करेंगे। इसी सिलसिले में हमने जो है हमारे जिला स्तर पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। मैंने शुरुआत शिमला ज़िला से की, दूसरे ज़िलों में हो रहे हैं, कल मंडी ज़िला, और आने वाले समय में अगले कल जो है हम फतेहपुर में करने जा रहे हैं। तो आज का मेरा जो ये कार्यक्रम है, हमारी जो क्योंकि शाहपुर रास्ते में आता है, तो यहाँ हमारे पार्टी के जो महासचिव हैं, इन्होंने मुझसे बात की कि मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से भी बात करूं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ भारी संख्या में हमारे जो लोग जुड़े हैं, हमारे जो जिला परिषद में प्रत्याशी जीते हैं, हमारी ब्लॉक समितियों के जो प्रत्याशी हैं, प्रधान है, भारी संख्या में यहाँ आए। तो हम यहाँ बैठक करके पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह जो है पैदा कर रहे हैं। मेरे साथ केवल पठानिया जो महासचिव हैं, जो हमारे पूर्व में प्रत्याशी भी रहे हैं, पवन काजल जी, जो हमारी साथ लगती चुनाव हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से विधायक हैं, हमारे गौतम जी जिन्हें यहाँ का प्रभार दिया है। तो हम लोग अभी संगठन को किस ढंग से आगे हमें ले जाना है, उस बारे में विचार विमर्श करें। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है जमीनी स्तर पर काम कर रही है। आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है, और सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है, इकट्ठी है, और यही एकता, एकजुटता और हमारी संघर्ष करने की क्षमता कांग्रेस पार्टी को फिर से सत्ता में लाएगी। देखिए, मुझे लगता है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा है, इसे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें, चाहे वो केंद्र में चाहे हिमाचल में, वो जानबूझ के लोगों के अंदर गतिरोध पैदा कर रही है, क्योंकि जिम्मेवारी इनकी बनती है। ये सत्ता में दोनों जगह पे इनकी सरकारें हैं, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि इस मामले को सुलझाने के बजाय ये सरकारें उलझा रही हैं। देखिए, मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि इस ढंग से होना नहीं चाहिए था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कानून के ज्ञाता हैं, और जिस ढंग से उन्होंने अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया है, मुझे लगता है कि ये उन भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं की महिला विरोधी सोच है उसको जो है इंगित करता है। हम इसकी इस घटना की भर्त्सना करते हैं, और सरकार से हमारा आग्रह है कि इस पे जो है सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए।